अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद जावेदुद्दीन शाह फारसी टीवी 7 उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की ये खास खबर। नाज़रीन, खबर है रियासत तेलंगाना की, जहां पर आज शहर हैदराबाद की असेंबली के पास हैदराबाद सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार IPS ने कोरोना वबा के चलते अवाम में शऊर बेदारी के लिए ये प्रोग्राम किया गया, जिसके ज़रिए अंजनी कुमार IPS ने मीडिया से बात करते हुए अवाम से मुतालबा किया कि लॉकडाउन में नरमी के वक्त को बढ़ा दिया गया। लोगों को चाहिए कि इस नरमी के वक्त में ही लोग अपने घर को वापस आ जाए, वरना गैर ज़रूरी रोड पर फिरने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी और उनकी गाड़ियों को मजबूरन सीज करेगी। आइए नाज़रीन देखते हैं टीवी 7 उर्दू की ये खास खबर। कल कैबिनेट मीटिंग के बाद रियासत तेलंगाना के तरफ से जियो नंबर 119 इशू हुआ, जिसके तहत कोरोना लॉकडाउन का 19 जून तक के लिए एक्सटेंशन है, लेकिन इस एक्सटेंशन में कुछ रिलैक्सेशन भी गवर्नमेंट के तरफ से आई है। सबसे पहली बात तो लॉकडाउन का पीरियड शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक है, लेकिन सभी दुकान और एस्टेब्लिशमेंट को 5 बजे शाम को बंद कर देना है। इसीलिए पब्लिक से हमारी गुजारिश है कि 5 बजे बंद करके आप अपने घर की तरफ रवाना हो जाएं, 5 बजे ही अपना दुकान बंद करके घर की तरफ जाना शुरू करें। 6 बजे के बाद कंप्लीट कर्फ्यू रहेगा और 6 बजे के बाद अगर आप रोड पर बिना मतलब के घूमेंगे तो आपके खिलाफ केस बुक होगा और आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। इसके पहले फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का जो रिलैक्सेशन हुआ, एनफोर्समेंट हुआ, उसमें हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से हमारे सभी ऑफिसर्स, 14,000 से ज़्यादा कांस्टेबल ऑफिसर्स, सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स, सभी लोग बहुत मेहनत किए और 3 शिफ्ट में हर जगह करीब 150 से ज़्यादा चेक पोस्ट मिलाकर जो ड्यूटी करे उसके लिए हमारे सभी ऑफिसर्स मुबारकबाद के हकदार हैं। और इस प्रोसेस में लगभग 2,500 लोगों को पॉजिटिव केसेस भी आया हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस में, करीब 15 के लगभग डेथ भी हुए, 17 डेथ हुए, उन सब के लिए हम लोग बहुत गमगीन हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस और हैदराबाद की आवाम दोनों मिलकर ये कोरोना के वक्त एक जो पार्टनरशिप, साझेदारी का एक नमूना पेश किए, ये बहुत काबिले तारीफ है। कोरोना के जंग के हर मुकाम पे हैदराबाद के सिटीजन्स, आवाम और पुलिस एक साथ रही और हम लोग दोनों मिलकर इस कोरोना से जंग किए, और सभी बड़े शहरों के कंपैरिजन में हैदराबाद का माहौल हमेशा बेहतर रहा। आगे भी मैं उम्मीद करता हूं कि कल से जो लॉकडाउन का जो टाइम है शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें। आज हमारे साथ यहाँ सभी सीनियर ऑफिसर्स हैदराबाद के, एडिशनल CP क्राइम शिखा गोयल, एडिशनल CP ट्रैफिक अनिल कुमार, एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर चौहान, जॉइंट CP सेंट्रल जोन विश्व प्रसाद और सभी ऑफिसर्स मौजूद हैं। और हम लोग सब उन तमाम कांस्टेबल ऑफिसर्स को जिन्होंने इस चैलेंजिंग टाइम में इतनी कड़ी मेहनत की, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और हैदराबाद की आवाम को भी बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसमें मीडिया और प्रेस का भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा, बहुत अच्छा रहा, जिसमें कि मैं जो भी हम लोग मैसेज देना चाहे पब्लिसिटी के लिए, अवेयरनेस के लिए, हमेशा आप लोग पब्लिक को पहुंचाए वो मैसेज, जिसके कारण कोरोना पे कंट्रोल करने में हमें और आसानी रही। थैंक यू, शुक्रिया।
जिंदगी का सफर नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाल। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी कामयाबी शोर मचा दे। जिन लोगों ने अपने आज को सवारा है, ऐसे ही शख्सियतों से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। अपने कल को बेहतर बनाने के लिए अपने आज को सवारें। बेहतरीन वक्त के लिए बुरे वक्त का सामना करना पड़ता है। मशहूर और मारूफ शख्सियतें जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर वक्त का सामना किया, ऐसे ही शख्सियतों से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। आइए नाजरीन, देखते हैं प्रोग्राम जिंदगी का सफर नौजवान नस्ल के लिए एक मिसाल, आपके अपने जावेद वारसी के साथ टीवी 7 उर्दू पर।